नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। हुलाष्टक क्या होता है और इससे जुड़ी हुई तमाम बातें। होली से पहले के 8 दिन को हुलाष्टक कहा जाता है, जो हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक होती है। इस वर्ष यानी कि 2020 में हुलाष्टक 3 मार्च से 9 मार्च को होलिका दहन तक रहेगा। हुलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित होते हैं। हालांकि आप हुलाष्टक के दिनों में कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको संतान प्राप्ति होगी, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हुलाष्टक में नेगेटिविटी का प्रभाव पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या है, चलिए जानते हैं। हुलाष्टक के समय में भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएँ दी गई थी, इसलिए इस 8 दिनों के समय को नेगेटिविटी का समय माना जाता है। इस वजह से ही मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। हुलाष्टक में करें भगवत वंदना। हुलाष्टक के समय आपको भगवान का भजन, जप, तप आदि करना चाहिए। इन दिनों में आपको भगवान विष्णु या फिर अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद के सभी संकटों को, सभी कष्टों का निवारण किया था, ठीक वैसे ही भगवान आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। होलिका दहन से दूर होती है नेगेटिविटी। जी हाँ, हुलाष्टक की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। हुलाष्टक में चौक चौराहों पर होलिका का निर्माण किया जाता है। इसमें गोबर के उपले, लकड़ियाँ आदि जमा की जाती हैं। फिर फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, जिससे आसपास पॉजिटिविटी का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। 8 दिनों के लिए लग रहा है हुलाष्टक, होली तक न करें क्या विशेष कार्य, चलिए जान लेते हैं। महत्वपूर्ण उपाय क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हुलाष्टक में आपको लड्डू गोपाल की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। पूजा के दौरान गाय के शुद्ध घी और मिश्री से हवन करना चाहिए। करियर में यदि आप तरक्की पाना चाहते हैं तो हुलाष्टक में जौ, तिल और शक्कर से हवन करना चाहिए। धन संपत्ति में वृद्धि चाहते हैं तो धन संपत्ति में वृद्धि के लिए हुलाष्टक में आपको कनेर के फूल, गांठ वाली हल्दी, पीली सरसों और गुड़ से हवन करना चाहिए। आरोग्य के लिए, असाध्य रोग से मुक्ति पाने के लिए हुलाष्टक में भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद गुगल से हवन कराना जरूरी है। कल्याण के लिए, अपने और परिवार के कल्याण के लिए हुलाष्टक में हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना श्रेष्ठ होता है। तो यदि हुलाष्टक से जुड़ी हुई खास बातें। नमस्कार।